दोस्तों 1987 में सतीश कौशिक जी की पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर इंडिया। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ अनिल कपूर, अमरेश पुरी, श्रीदेवी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 1989 में सतीश जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था राम लखन। इस फिल्म में सतीश जी के साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 1990 में सतीश जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था स्वर्ग। इस फिल्म में सतीश जी के साथ गोविंदा, राजेश खन्ना, जूही चावला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल सतीश कौशिक की एक और फिल्म आई जिसका नाम था जमाई राजा। इस फिल्म में सतीश कौशिक के साथ अनिल कपूर, हेमा मालिनी, आलोक नाथ थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसके बाद 1996 में सतीश कौशिक की एक और फिल्म आई जिसका नाम था साजन चले ससुराल। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ गोविंदा, तब्बू, कादर खान, करिश्मा कपूर थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 1997 में सतीश कौशिक जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ अक्षय कुमार, जूही चावला, कादर खान थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल सतीश कौशिक जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था दीवाना मस्ताना। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ अनिल कपूर, गोविंदा, जूही चावला थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद 1998 में सतीश कौशिक की एक और फिल्म आई जिसका नाम था परदेसी बाबू। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल सतीश कौशिक जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था घर वाली बाहर वाली। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ अनिल कपूर, कादर खान, रामभा, रवीना टंडन थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल सतीश कौशिक जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था बड़े मियां छोटे मियां। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनुपम खेर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद 1999 में सतीश कौशिक की एक और फिल्म आई जिसका नाम था राजा जी। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ गोविंदा, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, गुड्डी मारुति थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल सतीश कौशिक की एक और फिल्म आई जिसका नाम था हसीना मान जाएगी। इस फिल्म में सतीश कौशिक के साथ गोविंदा, संजय दत्त, कादर खान थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद 2001 में सतीश कौशिक की एक और फिल्म आई जिसका नाम था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इस फिल्म में सतीश कौशिक जी के साथ गोविंदा, अनुपम खेर, रजक खान थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2010 में सतीश कौशिक जी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म में अजय देवगन, परेश रावल, मुकेश तिवारी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी।